नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। विगत दिनों भाजपा नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा के घर पर हुए हमले में कुल 22 आरोपियों को नामजद करते हुए पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 11 में से 7 आरोपियों पर इस भाजपा नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर पर हुए हमले में आरोपी बनाया गया है और इसी आरोप में 4 आरोपियों को इस हमले का आरोपी बनाते हुए रासुका के तहत कार्यवाही की गयी। आज 4 आरोपियों को गोपी कृष्ण नेमा के घर क्षेत्र में जुलूस निकाला गया। रासुका लगाए गए आरोपियों के नाम अश्विन सिरोलिया, अरुण वर्मा, करण राणा, अनमोल संधु, इन चारों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। 16/11/2020 को गोपी नेमा जी के जो घर पर हमला हुआ था उसमें अभी तक हमने 22 लोगों को नामजद किया है और 22 में से अभी तक 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 11 में 7 जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी इस अपराध में हुई है। इसके अलावा उसी अपराध से जुड़े हुए 4 लोग हैं जिसमें पुलिस ने उनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई की है। जो आरोपी जिनके ऊपर NSA की कार्रवाई की गई है वो है अश्विन सिरोलिया, अरुण वर्मा, करण राणा और अनमोल संधु। जी हाँ सर, जो बचे हैं उनको कब तक उनकी गिरफ्तारी की है? मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हम उसमें सभी को आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हम जल्द से जल्द कर देंगे। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा। वीकली बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।